लगभग एक्सेप्टेबली सही रहता है, थेरेपी चैम्बर के बाहर पता नहीं क्या हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि यार आप फॉलो नहीं करते, मैंने जो बताया ना वो आप करते नहीं हो। अक्सर आप ये देखेंगे हमें बहुत कुछ मालूम है, हरी सब्जी खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट गुड फॉर, ये स्मोकिंग खराब है, नहीं करना चाहिए, शराब नहीं करना चाहिए, करते हैं। अगर मेरे को ये सब नॉलेज है तो इसका मतलब मेरे को उसका फायदा हो जाएगा। हरी सब्जी खाना चाहिए ये नॉलेज मेरे को है, तो ये नॉलेज से मेरे को फायदा हो जाता है क्या? नहीं होता, करना पड़ता है। एक्सरसाइज करने से मसल बिल्टअप हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को ये मालूम है तो मेरा मसल बढ़िया फिट रहेगा, तगड़ा होना चाहिए, ये हो सकता है। नहीं, यानी प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप चाहे कितना भी थेरेपी ले लो, कितना भी पढ़ाई कर लो, उसका ज्ञान आपको हो जाए तो भी आपको प्रैक्टिस तो करना जरूरी है। एक दूसरा जो मैं ये नॉलेज के साथ नॉलेज और प्रैक्टिस के साथ कंबिनेशन जो चाहता हूँ, जैसे कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट बताए तो थेरेपी दे तो कुछ ड्यूरेशन रहता है कि इतना टाइम करो तो उसका असर होता है। हम अक्सर वो कंटिन्यूटी नहीं रखते, उस देर तक प्रैक्टिस नहीं करते। यानी कुदरती असर ऐसा है, देर तक कोई चीज करो तो चमत्कार सा परिवर्तन आता है, चमत्कार सा इस टाइप का होता है कि डॉल्फिन किस नॉर्मली आपने डॉल्फिन का पिक्चर देखा है, काला और सफेद, चिलिका में डॉल्फिन है गैर ग्रे कलर, कुछ और जगह पे है लैटिन अमेरिका में गैर पिंक इन कलर, ऐसा कैसे हो गया है? यानी वो जो असर है एनवायरमेंट का असर है, काफी देर तक अगर रहता है तो चमत्कार सा परिवर्तन आता है। यानी आप एक चीज बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, देर तक करते रहो, तो ऐसा चेंजेस आएगा जो कि शायद आपका जेनेटिक्स को भी बदल डाले। इसीलिए हम नेचर वर्सेस नर्चर में कंफ्यूज हैं। जेनेटिक तो बदल नहीं सकता, जीन तो बदल ही नहीं सकता। ये कैसे आए रहते पर अभी अभी रिसेंटली बोलने लगे कि नहीं नहीं वो हो सकता है, शायद जल्दी नहीं होगा पर उसका बदलाव आ सकता है, ओवर द जनरेशन बदलाव आ सकता है। यानी नेचर वर्सेस नर्चर में कंफ्यूज है। जेनेटिक तो बदल नहीं सकता, जीन तो बदल ही नहीं सकता। ये कैसे आए रहते पर अभी अभी रिसेंटली बोलने लगे कि नहीं नहीं वो हो सकता है, शायद जल्दी नहीं होगा पर उसका बदलाव आ सकता है, ओवर द जनरेशन बदलाव आ सकता है। यानी ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ भी थेरेपी समझ लिया, सीख लिया, देख लिया थोड़ी देर के लिए, दो दिन के लिए, दो हफ्ते के लिए, और पंडित बन गए, तो उसको आप यही मानिए कि आपने उसका फायदा नहीं उठाया, जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं लिया, इसीलिए वो फायदा आपको नहीं हुआ। अगर एक चीज को मैंने ग्रुप को वॉलंटियर बना के डेमोन्स्ट्रेट किया, उसके ऊपर असर नहीं हुआ, नहीं हुआ इसलिए क्योंकि उसने आंख बंद नहीं किया था। आप इस लेवल पर पहुंच जाएंगे, नहीं नहीं ये नहीं होता है, होता है, होता है, होकर ही रहेगा। कोई एक चीज काम करता है तो करता है, आपके ऊपर काम करेगा, किसी और के ऊपर भी काम करेगा, कोई दो मत नहीं है। पर उसका जो फैसिलिटेटिंग कंडीशन है, जो प्री कंडीशन है, उसको अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता। अगर एक चीज तीन हफ्ते के लिए चाहिए या छः हफ्ते के लिए चाहिए, करना पड़ेगा, तो आप तीन दिन में ही बोलेंगे हम मेरे को समझ में आएगा ये क्या करना है और मैं चल रहा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो
ये कहना चाहता हूँ कि अगर जेनेटिक्स का भी असर जो है उसके ऊपर पर्यावरण का हावी होने का पॉसिबिलिटी है, कलर बदल जाता है, कुछ भी हो सकता है हमारे सामने मिसाल के तौर पर, कुछ 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 चीज़ें ऐसे हैं कि वी कैन होप फॉर चेंजेस, तो सफरिंग ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि सुधारा नहीं जा सकता। अगर मैं फिजिकली बहुत कमज़ोर हूँ और मेरे से कोई बेहतर फिट है तो जेनेटिकली ही हैज इनहेरिटेड, उसके पेरेंट्स पंजाबी है, हरियाणी है, इकट्ठे करते हैं उसको अपना ऐसा बॉडी लेके आया है, पर वो खा पी के मस्ती कर रहे हैं तो वैसे ही रह जाएगा। मैं अगर सुबह शाम 10 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, तो शायद मेरा मसल उससे काफ़ी बेहतर बन ही जाएगा, ये दो मत नहीं है इसमें। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सही टेक्निक थेरेपिस्ट आपको सिखाए जाएंगे, आपके लिए ये सही है। किताब से जो सीखी जाती है कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, तो इसीलिए कोई अच्छा थेरेपिस्ट चाहिए जो कि आपको बताएंगे कि आपका ये सिम्टम्स है, आप इस तरीके से कर रहे हैं, ये आपकी खामी है, ये आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो आपको बता देगा, समझा देगा। पर आपको कुछ देर तक वो चीज़ को फॉलो करना है, वो फॉलो करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही होगा, देयर इज नो वे आउट, सो यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ चांस। तो